क्वेश्चन सिक्स, 3x + y + 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x - 3y + 8 इक्वल्स टू 0. सो सब 3x + y + 1 इक्वल्स टू 0. सो y इक्वल्स टू -3x - 1. सो लेट x इक्वल्स टू 0. सो y इक्वल्स टू -1. Let x equals to 1. So y equals to -3 - 1, which is equal to -4. Let x equals to 2. So y equals to -6 - 1, which is equal to -7. So table, when x is 0, y is -1, when x is 1, y is -4, and when x is 2, y is -7. Now 2x - 3y + 8 equals to 0. So 2x equals to 3y - 8. So x equals to 3y - 8 whole divided by 2. Let y equals to 1. So 3 - 8 - 5, that is not done. So let y equals to 0. So x equals to -8/2, which is equal to -4. Let y equals to 2. So x equals to 6 - 8/2, so -2/2, so it is -1. So let y equals to 4. So x equals to 3 × 4 = 12, 12 - 8/2, which is equal to 4/2, which is equal to 2. So for second equation, when x is -4, y is 0. y 0. When x is -1, y is 2, and when x is 2, y is 4. Now let us plot this in graph.
0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and minus 5. So first is x is 0 and y is minus 1. सो यहाँ पे आएगा आपका एक पॉइंट, देन वन एंड माइनस फोर, वन एंड माइनस फोर तो एक यहाँ पे आएगा, एंड देन टू एंड माइनस सेवन, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, सो टू एंड माइनस सेवन वो आएगा माइनस फोर ज़ीरो, एक्स इज माइनस फोर एंड वाई इज ज़ीरो, तो समवेयर हियर, देन माइनस वन एंड टू, माइनस वन एंड टू, एंड टू एंड फोर, ओके। सो इस तरीके से हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया है। ग्राफ प्लॉट करने के बाद ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ से हम एक लाइन वाई एक्सिस पे डालेंगे ऐसे, और एक लाइन डालेंगे एक्स एक्सिस पे। तो हमारा एक्स क्या हुआ माइनस वन, और वाई हमारा क्या हुआ टू। सो आंसर क्या है, ग्राफिकली एक्स इज माइनस वन एंड वाई इज टू, इज अवन। टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, एंड थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। लेट अस स्टार्ट, पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं और फिर उसको ग्राफ में करते हैं। सो डिवाइड बाय टू हो तो क्या थोड़ा सा इजी रहता है। सो टू एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव माइनस थ्री वाई, सो एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव माइनस थ्री वाई होल डिवाइड बाय टू। लेट y इज इक्वल टू वन, ऐसा ही नंबर लेना है जिसमें हमें होल नंबर मिले ताकि हमको ग्राफ में प्लॉट करना ईजी रहे। सो x इक्वल्स टू माइनस फाइव माइनस थ्री इंटू वन होल डिवाइड बाई टू, विच इज इक्वल टू माइनस एट डिवाइड बाई टू, which is equal to minus 4. Let y equals to 3. So 9 plus 5 क्या होगा 14 होगा, ठीक है। So x equals to minus 5 minus 3 into 3 whole divide by 2, which is equal to minus 5 minus 9 whole divide by 2, which is equal to minus 14 divide by 2, which is equal to minus 7. अब ये 1 लिया, 3 लिया,
तो माइनस वन ले लो, ठीक है, माइनस वन ले लो, देखो क्या आ रहा है, लेट वाई इक्वल्स टू माइनस वन, सो एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस थ्री होल डिवाइड बाई टू, सो इक्वल्स टू माइनस टू बाई टू, विच इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। सो एक्स एंड वाई, व्हेन एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर वाई इक्वल्स टू वन, व्हेन एक्स इक्वल्स टू माइनस सेवन वाई इक्वल्स टू थ्री, एंड व्हेन एक्स इक्वल्स टू माइनस वन वाई इक्वल्स टू व्हाट, माइनस वन। ओके, नाउ द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो, सो टू वाई इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व। तो मतलब अगर थ्री किया मैं ऑड नंबर्स लूंगी तो वन लूंगी तो थ्री माइनस ट्वेल्व माइनस नाइन बाई टू होगा, टू लूंगी तो सिक्स, टू लूंगी तो हो जाएगा, तो जीरो टू ऐसा ले लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एक्स इक्वल्स टू जीरो, सो वाई इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व बाई टू विच इज इक्वल टू माइनस सिक्स। ओके, सो लेट एक्स इक्वल्स टू टू, सो वाई इक्वल्स टू टू थ्री जा सिक्स, सिक्स माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई टू, सो माइनस सिक्स बाई टू विच इज इक्वल टू माइनस थ्री, एंड लेट एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं माइनस टू लेती हूँ या तो फिर फोर ले लो, सो वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं एक्स और वाई का, एक्स एंड वाई, सो व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो वाई इक्वल्स टू माइनस सिक्स, वाई इक्वल्स टू माइनस सिक्स, व्हेन एक्स इक्वल्स टू टू वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री, व्हेन एक्स इक्वल्स टू फोर तो वाई इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। वन यहाँ पे टू थ्री फोर एंड फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स एंड दिस इज माइनस सेवन। सो पहले इक्वेशन का हम प्लॉट करते हैं, माइनस फोर एंड वन, सो माइनस फोर यहाँ पे आएगा और ये समवेयर हियर माइनस फोर एंड वन, उसके बाद माइनस सेवन एंड थ्री, तो मैं थोड़ा सा बाहर लेके जाती हूँ, माइनस सिक्स एंड माइनस सेवन, माइनस सेवन एंड थ्री, तो वो समवेयर यहाँ पे आएगा, एंड देन माइनस वन एंड माइनस वन जो यहाँ पे आएगा। ओके, उसके बाद है एक्स इज ज़ीरो एंड माइनस सिक्स, तो एक लाइन का इधर आएगा, देन टू एंड माइनस थ्री, टू एंड माइनस थ्री, देन फोर एंड ज़ीरो, एक्स इज फोर एंड वाई इज ज़ीरो,
तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। अब लाइन को एरोज लगा दो। ठीक है, अब ये कौन सा नंबर है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन कर लो। ये और यहाँ से इधर, तो आपका वाई हुआ -3 और आपका एक्स हुआ 2। सो ग्राफिकली आंसर है एक्स इक्वल्स टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू -3। -3y+13 इक्वल्स टू 0 एंड 3x-2y+12 इक्वल्स टू 0। सो पहले तो हम 2x-3y+13 इक्वल्स टू 0, तो 2x=3y-13, सो x=3y-13/2। सो लेट y=1, सो x=-10/2 विच इज इक्वल टू -5। लेट y=3, सो x=3, तो मतलब 3 3 जा 9 एंड 9-13 इज वॉट -4, सो -4/2 विच इज इक्वल टू -2। देन लेट y इज इक्वल टू 5, तो x=15-13 इज 2 2/2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो हैंस आपका एक्स वाई क्या होगा, सो मेरा एक्स और वाई। सो व्हेन x=-5 माय y=1, व्हेन x=-2 माय y=3, व्हेन x=1 माय y=5। नाउ द सेकेंड इक्वेशन है 3x-2y+12=0। ओके, सो 2y=2, थ्री एक्स प्लस 12, सो y=2 3x+12/2। सो लेट x=0, सो y=12/2 विच इज इक्वल टू 6। लेट x=1 2 1 2 लेंगे तो ज़्यादा y की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, तो नेगेटिव में भी ले सकते हो। लेट x=-2, तो y=-6+12 इज 6/2 विच इज इक्वल टू 3। एंड लेट x=-4, सो y=what, इट विल बी 0। सो एक्स एंड वाई, सो व्हेन x=0 y=6, व्हेन x=-2 y=3, एंड व्हेन x=-4 y=0। अब हम इसको ग्राफ में 5 एंड 1, ठीक है, -2 एंड 3, वन एंड फाइव,
ओके, उसके बाद 0 एंड 6, देन -2 एंड 3, एंड देन -4 एंड 0, एक्स इज -2. ओके, सो आंसर इज एक्स इज इक्वल टू -2 एंड वाई इज इक्वल टू 3. टू एक्स प्लस 3y-4 इक्वल्स टू 0. हम वैसे भी हमको ईजी रहे तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 आ जाए तो अच्छा है. सो 2x इक्वल्स टू 4-3y. सो x इक्वल्स टू 4-3y होल डिवाइड बाई 2. सो लेट y इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल्स टू 4/2, विच इज इक्वल टू 2. y इक्वल्स टू 2. सो x इक्वल्स टू 4-6. सो -2/2 इज इक्वल टू -1. इफ आई टेक y इक्वल्स टू 4, सो 4 3 12. सो x इक्वल्स टू -8/2, विच इज इक्वल टू -4. सो x और y की वैल्यूज, इफ x, व्हेन x इक्वल्स टू 2 y इज 0, व्हेन x इक्वल्स टू -1 y इज 2, व्हेन x इक्वल्स टू -4 y इज 4. ओके, नाउ अनदर इक्वेशन, 3x-y+5 इक्वल्स टू 0. सो y इक्वल्स टू 3x+5. So if x equals to 1, y equals to 3+5, which is equal to 8. If x equals to 2, take as -2. So y equals to -6+5 equals to -1. If x equals to -1, so y equals to -3+5, which is equal to 2. So again, x and y, when x equals to 1, when x equals to 1, y equals to 8. When x equals to -2, y equals to -1. When x equals to -1, y equals to, यहाँ पे x is 2 and y is 0. So x is 2 and y is 0, तो यहाँ पे होगा पॉइंट -1 and 2, तो वो ऊपर होगा somewhere here, and -4 and 4 is somewhere here. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट लाइन का है 1 एंड 8. 1 एंड 8, तो वो ऊपर जाएगा 7 एंड 8 समवेयर. 1 एंड 8 वो यहाँ पे होगा, देन -2 एंड -1 समवेयर हियर, -1 एंड 2 तो ऑलरेडी है ही. ओके, सो मतलब दोनों में देखो, ये देखने जाओ तो यही होगा आपका आंसर, यही, क्योंकि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ओके, तो ये मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, तो यहाँ पे ये है अलग इक्वेशंस की लाइंस हैं. ओके, सो यहाँ से अगर आप इधर ड्रॉप डाउन करते हो तो x पे क्या जाएगा, x इज योर -1,
एंड वाई इज योर टू. सो आंसर क्या आएगा, एक्स इज माइनस वन एंड वाई इज टू इज योर आंसर ग्राफिकली फाउंड. वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो. सो ऑब्वियसली एक्स इक्वल्स टू माइनस टू वाई माइनस टू. सो इफ वाई इक्वल्स टू जीरो एक्स इक्वल्स टू माइनस टू. इफ वाई इक्वल्स टू माइनस वन देन एक्स इक्वल्स टू टू माइनस टू इक्वल्स टू जीरो. इफ वाई इक्वल्स टू माइनस टू देन एक्स इक्वल्स टू फोर माइनस टू विच इज इक्वल टू टू. सो एक्स एंड वाई when x equals to minus 2 y is 0, when x equals to 0 y is minus 1, and when x equals to 2 y is minus 2. Now coming to next equation, 3x plus 2y minus 2 equals to 0. So 2y equals to 2 minus 3x. So y equals to 2 minus 3x whole divided by 2. So if x equals to 0, y equals to 2 by 2 is equal to 1. If x equals to 2. So y equals to 2 minus 6 is minus 4 by 2, which is equal to minus 2. If x equals to 4, so y equals to 2 minus 12, so minus 10 by 2, which is equal to minus 5. So let us write x and y. So when x equals to 0, y is 1. When x equals to 2, y is minus 2. And when x equals to 4, y is minus 5. Okay? Ye dikh raha hai? Minus 2 and 0. Minus 2 and 0 will be here somewhere. 0 and minus 1. 0 and minus 1 मतलब एक यहाँ पे 0 and minus 1 will be here and 2 and minus 2 will be here. ठीक है, उसके बाद है 0 and 1, तो एक यहाँ पे, then 2 and minus 2 again यहाँ पे, 4 and minus 5, so it will be here somewhere. ठीक है, अब हम इसको जॉइन. ठीक है, तो क्या आया आपका आंसर, सो योर एक्स इज टू एंड योर वाई इज माइनस टू. So graphically your answer is x is 2 and x is minus 2. ये actually आप कोई भी method से solve करोगे यही answer आएगा, हर एक method का अलग अलग answer नहीं.